जब वॉकी जाना है, वॉकी व्हेन यू गो फॉर वॉक. Hi guys, what's up? Welcome back to Hustle with Sar, where you and I, we hustle together. What's up? I hope you all are doing well. I hope you all are taking all the precautions necessary. घर में रह रहे हो, वीकेंड पे इगतपुरी लोनावला नहीं जा रहे हो. मैं बोल रही हूँ ना, अगर तुम्हारी स्टोरीज देखी मैंने, बिकॉज आई डोंट नो लोगों क्या लग रहा है. छुट्टी का मौसम है, घर पे बैठ के चाय पीने का मौसम है गाइज. बहुत बुरे हाल है हॉस्पिटल में, और वैक्सीन की भी बहुत शॉर्टेज है. आज से आइडियली मेरी वैक्सीन ड्यूटी शुरू होने वाली थी, आज शॉर्टेज है तो अभी तक स्टॉक नहीं आया वैक्सीन का, तो अब पता नहीं कब होगा. आई थिंक ये हफ्ते में शुरू हो जाना चाहिए. बट आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू ऑल, आई डोंट नो हाउ आई हैव सो मच एनर्जी. मैं सिर्फ 2 घंटा सो के आज काम पे गई हूँ, क्योंकि कल रात को ना कुछ गलत जा ही रहा था मेरे शूट पे. आई पुट इंस्टाग्राम स्टोरीज इन केस यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मुझे कुछ मिलता ही नहीं यार अभी ये रूम में, अपना कुछ ज्यादा ही एक रूम क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा है. ऑनेस्टली इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू फिल्म हियर. I know it might sound like a very first world problem, especially with the current times and scenario, but like just मेरी जगह पे आके देखो इस एक कमरे को जो बहुत छोटा है. कोई भी मेरे रूम में आता है और मुझे बोलता है तेरा रूम तो बहुत छोटा है, वीडियोज में बहुत बड़ा दिखता है. बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है. लिटरली तुम 4 कदम लो, 1 2 3 4 खत्म हो जाता है मेरा रूम. बस इतना सा ही रूम है, वो 2 जगह पे मिरर्स है ना, तो उसकी वजह से आई थिंक इट क्रिएट्स दिस इल्यूजन, विच वाज द एंटायर इंटीरियर डिजाइनिंग प्लान, कि हम ऐसा मिरर लगाएंगे, पोजीशन करेंगे कि रूम बड़ा लगे, बट बड़ा है नहीं बिल्कुल. और ये रूम में मैंने कितना कुछ किया है. ओके, मैंने अपनी 4 साल की मेडिकल डिग्री खत्म की है, पढ़ाई की है, वीडियो शूट करना शुरू किया है, आई हैव रीच्ड 100K इन दिस रूम. काफी कुछ है, सामान बस आते ही जाता है यू नो. एंड मेरी मॉम को ना सीरियस OCD है, तो कोई भी मेरा PR पैकेज या कुछ भी आता है ना, तो हॉल में रहनी नहीं देती है, सीधा लाके इधर डंप कर देती है. तो मेरा रूम ऐसा गोडाउन प्लस फज का सामान, मेरा सामान करके अभी मतलब बहुत ज्यादा सामान हो गया है रूम में. लाइक आधा टाइम तो ऐसा लगता है मैं पसारा ही साफ कर रही हूँ, तो आधी थकान तो उसमें हो जाती है. तो शूट खत्म होने के बाद भी हाफ द टाइम आई एम क्लीनिंग एंड क्लीनिंग. एनी वे, आई जस्ट वॉन्ट टू रेंट दैट फैक्ट दैट आई एम प्रिटी मच डन विद दिस रूम. जितना निचोड़ सकती थी ना मैंने निचोड़ लिया ये रूम से, बट कुछ कर नहीं सकते. आई हैव टू कंटिन्यू हसलिंग, बिकॉज द हसल मस्ट गो on. I don't know why I've been feeling so old lately. Old as in not physically, but age-wise. I know I'm just 22. I know in every video you all make it a point to remind me that how are you so mature for just 22. But hear me out, okay? Ever since my sister gave birth, मुझे वो एक sudden hit of realization हुआ है कि oh my god, my parents are grandparents. मतलब वो नानी हो गए, मतलब सबका role as a position upgrade हो गया है. मेरी बहन जो अब तक मेरे से कपड़ों के लिए झगड़ती थी, जो अभी भी मेरे से कपड़ों के लिए झगड़ती है, उसमें कुछ नहीं बदला है, but वो अब मॉम बन गई है किसी की. एंड मेरे मॉम डैड नाना नानी बन गए और मैं मासी बन गई हूँ, तो सबके रोल जैसे अपग्रेड हो गए. एंड सडनली मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि ओ शिट, मेरे पेरेंट्स बहुत बड़े हो रहे हैं. एंड उनको बोला नहीं, मैंने उनको बोला है वैसे, ऐसा तुम लोग मुझे फील मत कराओ. एंड देवर लाइक कि नहीं नहीं तू तो सबसे छोटी है, तो तुझे ऐसा लगेगा ही. एंड देवर ट्राइंग टू मेक मी फील बेटर, बट नॉट लाइक माई पेरेंट्स आर वेरी ओल्ड, दे आर इन देयर अर्ली 50s ओनली, बट आई फील लाइक दे आर बिकमिंग वेरी ओल्ड. और द वर्स्ट पार्ट इज घर में बैठे बैठे बुढ़े हो रहे हैं, कहीं बाहर तो जा नहीं सकते लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से, तो साल और मौसम बस बीते जा रहे हैं और तुम घर में ही बैठे हो. एनी वे, आई एम सो सॉरी दिस व्लॉग इज स्टार्टिंग ऑन सच अ रैंडम एस नोट एंड सो मच रैंट एंड बीटी, बट ये सारी चीजें ना मेरे दिमाग में कब से थी, तो आई थॉट कि आई माइट एज वेल रैंट इट टू यॉल, बिकॉज कोई तो सुनेगा मेरी बात. क्या कर रहा है, इतनी आवाज आ रही थी. अच्छा, दादी की लस्सी और मेरी कॉफी. ये मेरी 3री कप है कॉफी की दिन की. कौन सा कॉफी पाउडर यूज कर रहा है, मेरे को वो वाला भी आया है ना मिश. अरे रे, सब तोड़ दे तोड़ दे, सब तोड़ दे. दिस इज माई फेवरेट कॉफी गाइस, लाइक दिस इज ब्यूटिफुल कॉफी. छोटू तो कौन सा म्यूजिक सुनता है, छोटू का कॉलर ट्यून इज अमेजिंग. वो वाली कॉफी देख, मुझे मिस्ट्री बॉक्स में आई है, मेरे को वो ट्राई करनी है, बट उसके लिए मेरा दूध लगेगा. मेरा दूध का है, दूध नहीं है. हाँ वही, मम्मी को बोल लेके आने. मेरा दूध बेसिकली इज नॉट लाइक कि मैं अलग से दूध मंगाती हूँ. हाँ मैं अलग से दूध मंगाती हूँ, मैं सोया मिल्क या आमंड मिल्क मंगाती हूँ. आई नो वेरी बुजी, बट इट्स बेसिकली बिकॉज मुझे गाय के दूध से, भैंस का होता है कि गाय का होता है, जिसका भी डेयरी वाला मिल्क जो होता है, उससे मुझे ब्रेकआउट्स होते हैं. मैंने नोटिस किया है PCOS हॉर्मोन्स को ट्रिगर करते हैं, इसलिए मैं सोया मिल्क या आमंड मिल्क प्रेफर करती हूँ. सोया मिल्क थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए आजकल थोड़ी तंगी चल रही है, तो सोया मिल्क, वरना मैं आमंड मिल्क खरीदती हूँ. Fudge, what you doing? 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 You wanna catch your ball? Go play. उसको वो टेबल से बहुत डर लगता है.
गुड बॉय भजा। और तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं ये चीज क्लैरिफाई कर देती हूँ, स्पेशली मेरे रमजान ब्लॉग के बाद, बिकॉज अब बहुत नए लोग आ गए फैमिली में, 100K सारा स्क्वाड हो गया, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर अल्हम्दुलिल्लाह। आई जस्ट वांट टू से फॉर सो मेनी पीपल हु आर कमेंटिंग के रोजे में ये नहीं करते, ये नहीं करना चाहिए, आपको टैटू कैसे, आप कुत्ता कैसे रखते हो, आप नमाज पढ़ते समय ऐसा करते हो वैसा करते हो। देखो मैंने वो वीडियो में भी बोला था, आई एम नॉट द परफेक्ट मुस्लिम, आई एम नॉट गोना जस्टिफाई माई फेथ टू यू, माई फेथ इज माई कनेक्शन विथ माई गॉड, वन। नंबर टू, आई एम नॉट आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ एज अ रिलीजन, मैंने वीडियो में भी नहीं बोला दैट आई एम अ मुस्लिम, बट आई एम जस्ट सीइंग दैट आई डू फॉलो रमजान, आई डू फॉलो इस्लाम, आई माइट नॉट बी द परफेक्ट फॉलोअर देर इज, बट आई एम 100% अ बिलीवर, मैं पूरा पूरा मानती हूँ, पूरा फॉलो नहीं कर पाती, मैं इंसान हूँ, एंड सेकेंडली मैं बहुत डिफरेंट एनवायरमेंट में ब्रॉट अप हूँ, लाइक आपके और मेरे अपब्रिंगिंग में बहुत फर्क होगा जमीन आसमान का, बिकॉज माय मॉम इज अ कैथलिक, माय मॉम इज नॉट अ मुस्लिम, माय डैड इज अ मुस्लिम, तो अपब्रिंगिंग हैज बीन वेरी कलेक्टिव, एंड मैंने बड़े होके अपने खुद के मतलब सेटलमेंट कर लिया है जैसे बीच में, दैट इज आई बिलीव इन गॉड, आई प्रे टू ऑलमोस्ट ऑल गॉड्स, आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली इन इस्लाम एंड कैथलिकिज्म बोथ, देर विल बी डेज वेर आई विल बी प्रेइंग द कुरान ऑल्सो एंड आई विल बी प्रेइंग रोजरी ऑल्सो एंड आई बिलीव माई गॉड्स आर वेरी मच लिसनिंग, सो माई फेथ इज वेरी वेरी स्ट्रांग। ये सारे जो आप लोग कॉमेंट करते हो, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु कॉमेंट ऑन माई रमजान ब्लॉग सेइंग कि ऐसा मत करो वैसा करो, औरतों को पर्दा करना चाहिए, ये सब मैं नहीं मानती, ऑनेस्टली आई नो आई कैन बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल और ये सब चीजों पे कोई कोई लोग ट्रिगर भी हो जाते हैं, बट मैं नहीं मानती, ठीक है। तो मुझे आके मतलब बताना इस्लामिक प्रैक्टिसेस में क्या कैसे करती हूँ और क्यों करती हूँ, वो मैं ना कोई होती हूँ आपको बताने वाली, ना आप कोई होते हो मुझे बताने वाले, सो लेट्स कीप इट अ वेरी हेल्दी स्पेस, स्पेशली रिलीजन सेंट्रिक, तो कॉमेंट्स मेरे वीडियोज पे करना ही मत, कर्ज मैं डिलीट कर दूंगी, मैं डिलीट कर दूंगी सीधा, कर्ज मैं ये सब में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई रिलीजन के बारे में किसी को कुछ भी बोले। हमारी कंट्री में लोगों को बहुत मजा आता है रिलीजन पे दंगे क्रिएट करना, बट आई एम नॉट गोना बी अ पार्ट ऑफ दैट मेस, सो डोंट ट्राई टू क्रिएट दैट ऑन माई वीडियो। बॉल लेके किधर वॉक पे, कम ऑन वॉक, कम 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 वॉक वॉक वॉक, चलो वॉक की वॉक, अरे नेबर्स हो तो ऐसे हो जो अच्छा अच्छा खाना भेजे, वरना ना हो तो मेरी तो नेबर शिरीन है एंड यू नो उसका इंस्टाग्राम पेज है फूड स्विंग्स करके, तो नए नए खाने बनाती रहती है इफ्तारी के लिए, और रोज़ा हो या ना हो या मेरे घर में इफ्तारी हो या ना हो, आज तो नहीं है खैर क्योंकि आज कोई भी रोज़ा नहीं है, बट आज बहुत ही टेस्टी मिलेगा मुझे खाने, मुझे रोज ही मिलता है थैंक्स टू शिरीन। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी जिंदगी दौड़ रही है और तुम्हारी चल रही है? आपकी ग्रोथ हो रही है और आपके साथ साथ हमारी भी ग्रोथ हो रही है, तो अच्छा है ना? यस यस, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि यू आर द लकी पर्सन फॉर मी। अभी मेरे मन में क्या है, यू आर 21, आई एम 22, मैं 21 नहीं हूँ बेटा जी, मैं 22 ही हूँ। सारा जैसे छोटी उम्र होके इतना ज्यादा टैलेंट, इतना ज्यादा हार्डवर्क करती, इतना ज्यादा मेहनत करती है, 4 to 5 आवर्स से सोती है, और मैं गधा आज की मतलब 7-8 hours कभी किसी दिन सोऊंगा तो सीधा 12 घंटे सोऊंगा, तो मुझे एक्चुअली थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है आपसे। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, तो मतलब मुझे ये लगता है कि फाइनली यार मतलब तू क्यों सोता है भाई, तूने कौन सा ऐसा लाइफ में मतलब कुछ कर लिया जो तुझे इतना वो है भाई, सारा जब इतना होते हुए भी वो 14 आवर मेहनत करती है। एक और चीज, बस मेरी मॉर्निंग की नींद मुझे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तुम्हारी मॉर्निंग की नींद इम्पोर्टेंट है तो मेरी भी इम्पोर्टेंट है, बट शाम का क्लास अगर तुमने कैंसिल किए ना अभी, और अगर अपने 12 सेशन नहीं हुए वापस, मेरे बाइसेप्स पूरे चले गए मालूम है, डेड है, डेड बचे ही नहीं है बाइसेप्स। हाँ हाँ, नहीं करो अभी, तुमको मैं इंस्पायर करती हूँ उसके बदले, अभी तुम मेरी बॉडी वापस पहले जैसी करके दो मेरे को, मेरे बाइसेप्स मेरे एब्स सब गए। ठीक है तारा, डन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोकस करो, फोकस ही है मेरी जिंदगी में ना, वो घोड़े के वो लगे, मैं फोकस्ड ही हूँ लाइफ।
10:17 हो रहा है, अभी भी कुछ फाइनल ट्रांसफर्स हो रहे हैं, मेरे फ़ोन से भी ट्रांसफ़र हो रहा है बिकॉज आई व्लॉग ऑन माई फ़ोन ऑल्सो, तो काफ़ी डेटा कलेक्ट हो जाता है इतने सारे वीडियोज़ अगर तुम साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड करो तो. बट दिस इज़ माई लाइफ, मैं एक दिन में ही सारी शूट्स कर लेती हूँ अपार्ट फ्रॉम व्लॉग्स, और फिर मुझे सब डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ता है एक दिन में ताकि सब ऑर्गेनाइज रहे. तो मेरे ये हार्ड ड्राइव में सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है. Tomorrow. All right, I'm ready for my vaccine duty day one. The shirt is super super old, बहुत ही soft है और बहुत गर्मी है इसलिए मैंने नहीं पहना है. This is from Only and these pants are from Verimoda. I've woken up like 1 hour earlier than my usual time schedule, so I'm very sleepy as well. But मैं 12 बजे तक सो गई थी रात को. नाश्ता छोटू. Okay. My breakfast is right here. This is my mango oats. अंडा साफ नहीं किया? नहीं, ठंडा हो. चल बेटा, हो गया टाइम. कॉफी बनाया? सुबह कॉलेज जाने के लिए तो मल्टीटास्किंग हैज टू बी द जैम. 6:45 आई वोक अप. यूजुअली आई वेक अप एट 7:55. आई रियली पुश इट नाउ डेज. अभी मतलब इंटर्नशिप के लास्ट डेज आ रहे हैं ना, मोटिवेशन हैज बिकम क्लोज टू जीरो. बट वैक्सीन ड्राइव के लिए आई एम एक्साइटेड. इट्स समथिंग न्यू टू लुक फॉरवर्ड टू. इट्स बींग पार्ट ऑफ द चेंज एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दैट. मैंगो सीजन का पूरा फायदा मैं उठा रही हूँ. इट इज गेटिंग लेट, 7:20 हो रहा है. I should leave. So I have washed my face in the morning. Mood hoti ho, I use this face wash. This is the Dermaviv Hydra Cleanser. It balances my pH level. Takes away all of the excessive anything that's there on my face. Raat ko matlab main skin care laga ke soti hu. Aur raat ko main kaafi heavy duty skin care karti hu. Jiski wajah se main skin bahut soft ho gayi hai. So iske baad I go in with my Body Shop Tea Tree Serum. Abhi aap मतलब अगर मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देख रहे हो ना तो यू वुड नो कि बहुत टाइम से मैं ये सेम स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ. फज, ये H&M की थैली इधर पड़ी है इतने टाइम से. ये कपड़े मुझे मम्मी कपड़े एक्सचेंज कभी होंगे H&M के? What not possible? हाँ, तो if you've been watching my vlogs for a time, you know that I use यही हर सुबह. Like this is what I like using. क्या कर रहे हैं लोग दोनों? इनका अपना ही चलता रहता है. फजर मम्मी का उठा रही हूँ मैं अपनी स्किन को. उठ जा बेटा, उठ जा, बहुत काम है आज. आज बहुत काम है सच्ची में. 100K का व्लॉग मैंने एडिट करना शुरू भी नहीं किया है. मॉइस्चराइजर नहीं मिल रहा. मेरी मॉम भी ये यूज़ करती है ना, तो यहाँ वहाँ रख देती है. सो दिस इज द न्यूट्रीडर्म वाइटमिनी मॉइस्चराइजिंग लोशन. इसमें इतना सारा प्रोडक्ट आता है ना कि मैं देख रही हूँ कि मैं 6 महीने से इसको यूज़ कर रही हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा है. और दिस इज माई डे टाइम मॉइस्चराइजर. कभी कभार रात को भी वापर लेती हूँ, बट डे टाइम में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज इट्स द परफेक्ट अमाउंट ऑफ नॉट टू मच एंड नॉट टू लिटल ऑल्सो. आई एम सो सॉरी छोटू के ब्लेंडर के लिए. टेक सनस्क्रीन. बस फिर डन, वी आर रेडी फॉर द डे. ओके, आई एम रियली सॉरी दैट यू हैव टू सी अ विजुअल ऑफ माई लेग, बट I just want to show you all that my legs are the driest legs on planet earth. मुझे काफ़ी issue होता है dry skin का legs पे, and if you can see वो थोड़ा थोड़ा heal हो रहा है. so this is what I'm using. ये मैं अपनी पूरी body पे ही use करती हूँ, but आज मैं लगाना भूल गई हूँ. कपड़े already मैंने पहन लिए, but मैं काफ़ी generous amount of product I use it as a foot cream. And then I wear socks and shoes and it's been working so well. काफ़ी हद तक उसने ये सारी healing कर दी है एड़ियों की मेरी, और अभी बस थोड़ा सा ये patch बचा है heal होना. तो मुझे बहुत दुखते हैं मेरे पैर because of this skin problem. But trust me, when I started using this, it's helped me quite a lot. साथ ही साथ मेरा tattoo भी moisturize हो जाता है. रोशनी ऑलवेज कम्स अर्ली एंड टेक्स माय पार्किंग स्पेस. एप्रन पहनना है. सो रोशनी, हाउ डू यू फील फर्स्ट डे ऑफ वैक्सीन ड्यूटी? आई डोंट फील एनीथिंग. लेट्स सी हाउ मच वर्क कम देयर. डोंट यू फील गुड बीइंग अ पार्ट ऑफ द चेंज? यस. 12:00 midnight. आज का दिन इतना क्रेजी था ना, मतलब क्या क्या फटाफट निकल गया दिन. वैक्सीन ड्यूटी से आने के बाद आई स्लेप फॉर 2 hours. आई वॉज वेरी वेल रेस्टेड. उसके बाद एक ही पोजिशन में बैठ के मैंने वीडियो एडिट की है. अभी मैं मुंबई कर निखिल का व्लॉग देख रही हूँ, बट वहाँ पे मेरा सी गेट वगैरह पड़ा है. बिकॉज जब से मैंने 100K का व्लॉग शुरू ही नहीं किया था, 3 hours नॉन स्टॉप आई सैट इन वन प्लेस, एडिटेड द व्लॉग, पुट इट अप. समहाउ माय वाईफाई सपोर्टेड मी और 10:30 बजे वीडियो चला गया. एंड नाउ आई एम गोना रैप अप फॉर द डे. इट्स 12:15 at night, बट मैं बिल्कुल थकी भी नहीं हूँ बिकॉज मैंने नैप लिया ना. टुमारो आफ्टर माई वर्क आई एम गोइंग टू थाने. I'm going to meet my मासी. I'll go with पूजा ओनी घर पे. सो आई एम गोइंग टू थाने बिकॉज आई एम डूइंग अनदर वन ऑफ द फीड
drive thingies, like they're going to feed some more people. I just enjoyed it so much when I did it for 100k, and I realized that I do have the resource to do it more, so I should do it more, because at this point we all need all the help, all the love, support we can get in whatever way possible. Yeah, that is the reason why we're going to do this again tomorrow. And I don't want to vlog too much of it, because it becomes very awkward to vlog all these moments. But I want to include somewhere something, because I want to push you all as well. Ki jitna bhi tum kar sakte charity, this is the best time to do it. The world is going through a lot, especially India is going through a lot. So do as much as you can. So tomorrow we will go. I'm going to meet a new person who's Larissa's friend and does this quite a lot. She does a lot of charity work, and she's the one who's cooked all the food for us. So very excited to meet her and do this with them. Thane side, humne already down side kar liya college ke udhar, andheri side kar liya mere ghar ke udhar, to abhi Thane side karte hain. So guys, abhi hum nikle hain, hum ja rahe hain Larissa se milne, aur station ke aas paas hi kahin pe hai. Main bahut neend mein lag rahi hu, that is because main sleep deprived hu. Left ke right? Left. Okay, to main sleep deprived hu. ये हफ्ते में जो नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, और मैं गलत गलत टाइम पे सो जाती हूँ, एंड देन आई डोंट गेट स्लीप एट नाइट. सो आई डू लुक वेरी टायर्ड, बट आई एम वेरी एक्साइटेड इंटरनली टू डू दिस. सो जस्ट मेकिंग स्पेस इन द कार, टेक द फूड. So she's put dal, rajma chawal, gulab jamun, salad, and like packaged it also so well. Okay, chalo, mujhe petrol bharwana hai. But I will leave her details, Naomi's details, in the description for y'all. Aapko sada petrol पूरे थाने को ही खिला दिया है, और लोग ही नहीं मिल रहे खिलाने के लिए. तो हम एक लास्ट बस्ती में आए ढूंढने, क्योंकि 20 बॉक्सेस आर लेफ्ट. I love you now, much to love you now. I'll write on the title of the vlog only. That's it for this vlog, you guys. I hope you guys enjoyed hustling with me for today's video. I just got home and took a hot water shower. Just made my fajja after a very long day. Who needs a real desperate bath? So kal usko nilana padega. Meri maa ka message aa gaya tha aaj mujhe ki nila de usko, varna main groomer ko bulaungi. Anyway, I hope you guys enjoyed today's video. I know it started off on a very different note and ended on a very different note, but I just wanted you all to know ke this religion topic really puts me off, and I don't like discussing talking or being told about it. I think at the end of the day what matters is humanity. Insaniyat rakho bas thodi si. Like aaj dekho, humne itne saare logo khana khilaya, and nobody cared which caste was giving them food, which caste. Like all three of us are from a different religions. Even Naomi, who made the food was for us, was from a different religion, and she did such a fab job. I really wanted to do this with her. She's taken little to none profit margin and did it at such a great price. That is why even though I did my food grain and everything distribution for 100k, I was like fir bhi ye karte hai, because जितने प्राइस में चार लोग फाइव स्टार में ऐसा कंजूसा मील खा लेंगे ना, उतने में 100 लोगों ने पेट भर के अपना डिनर किया है आज. सो दैट फैक्ट इज अमेजिंग, एंड आई एम सो ग्लैड आई डिड इट विद हर. सो आई विल लीव हर इंस्टाग्राम पेज ओवर हियर ऑन द स्क्रीन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ यू आर फ्रॉम द थाने एरिया, एंड इफ यू वांट केटरिंग फॉर एनी ऑफ योर ओकेजन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हर. शी डिड सच अ फैब जॉब. एक मील लास्ट में बच गया था, ऐसा लग रहा था हमने सभी लोगों को थाने में खाना खिला दिया, तो वो खाना हमने खाया, एंड वी टेस्टेड इट, वॉज वेरी वेल डन. आई नो ऐसा बोलते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, डोंट शो एनी
doing charity and all of that, and I completely believe in that. A lot of what I do, offline donations, everything, I never discuss or tell y'all, but these small clippings, it's not that, oh my god, look, I'm doing this. It's that y'all always tell me that I inspire y'all, y'all find inspiration in my videos. So even if 5 people are inspired to go feed another 5 people with my videos, 25 people will be getting food. So just with that motive, we take like a little bit of footage here and there. Wo bhi itne sare footage mein se main thoda sa hi rakhti hu, because I don't want the privacy of those people also getting affected, right? If you did like today's video, then don't forget to give it a big thumbs up. For today's video, the Sara Squad shout out goes to Samiksha Deshmukh. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you want to be a part of next video Sara Squad shout out, you know what to do. Hit that subscribe button, the bell icon right next to it, and also leave a comment down below saying hashtag Sara Squad, and you get a chance to be a part of my next video Sara Squad shout out. I will see you guys very soon in another video. Bye guys, love you.